नमस्कार, मैं माधवी सिंह, मात्र रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं अंकुरित काले चने का डोसा चटनी के साथ बनाना बताऊंगी। काले चने का डोसा बनाने के लिए मैंने ये रात में काले चनों को ये भिगो के रख दिया था और इसमें से मैंने इस अंकुर भी मतलब स्प्राउट भी कर लिया था इसे, तो ये दो दिन में स्प्राउट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, वैसे तो आप काले चने का ही बना सकते हैं, लेकिन यदि आप मतलब अंकुरित करके बनाएंगे तो वो और ज्यादा हेल्दी हो जाएगा। और मैंने ये मूंग को भी अंकुरित कर लिया था, ये देखिए। ये तो मैं काले चने से बना रही हूँ, लेकिन मेरे पास ये अंकुरित मूंग है तो मैं मूंग भी डाल दूंगी। मैंने एक कटोरी चने लिए हैं और आधी कटोरी के करीब होगा ये मूंग। अब इसे हम एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे। ये मैं चनों को और इसको दोनों को डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, ये मैंने दो हरी मिर्च को ऐसे रफली तोड़ के डाल दिया है और ये 5-6 लहसुन की कलियां। अब इसमें डाल देंगे ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा और आधा चम्मच में डाल दूंगी ये जीरा और डाल देंगे 1/2 कप सूजी और 1/4 कप डाल देंगे हम ये दही और अब डाल देंगे ये हम हरा धनिया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें पानी डालेंगे, 1 कप हम इसमें पानी डाल देंगे और डाल देंगे इसमें नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए। मैंने ये 1/2 चम्मच से थोड़ा ज्यादा नमक डाला है और इसमें यदि आपको हल्दी डालना हो तो कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी भी डाल सकते हैं। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। अब देखिए ये पिस गया है। अब इसे हम एक मिक्सिंग बाउल में पलट लेंगे। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी हमें ऐसी ही रखना है, ये एकदम परफेक्ट है। अब ये जार में जो थोड़ा सा अभी चिपका हुआ है उसे मैं थोड़ा सा पानी डाल के और इसे भी साफ कर लूंगा। अब इसे हम 10 मिनट के लिए ऐसे रखा रहने देंगे, रेस्ट के लिए रख देंगे। अब जब तक हमारा बैटर रेस्ट में है तब तक हम इसके लिए चटनी बना लेंगे। चटनी बनाने के लिए क्या करेंगे, ये मैंने मूंगफली को भून लिया है, इसे हम डाल देंगे इसमें और ये 2 हरी मिर्च इसे मैं इस तरह से तोड़ के डाल दूंगा और ये थोड़ा सा हरा धनिया। यदि आप लहसुन प्याज खाते हो तो लहसुन डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। और इसमें मैं थोड़ा सा डाल दूंगी अदरक। इसमें डाल देंगे हम नमक। अब इसमें हम डाल देंगे 4 चम्मच दही, थोड़ा सा डाल देंगे पानी। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। अब ये मैंने चटनी को देखिए पीस लिया। अब इसे हम पलट देंगे। अब ये चटनी बन गई है। अब इसका मैं तड़का लगाऊंगी। इसमें तड़के के लिए मैंने तड़का पैन लिया है, इसमें थोड़ा सा हम डाल देंगे ऑयल 1 चम्मच के करीब। अब इसमें डाल देंगे ये थोड़ा सा मैंने सफ़ेद तिल लिया है और राई, और इसमें डाल देंगे हींग थोड़ा सा। अब ये राई और तिल चटकने लगे हैं। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 सूखी लाल मिर्च। अब इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ता। अब इसका मैं इस चटनी में तड़का दूंगा। अब ये चटनी हमारी बन गई है। अब इसे हम साइड में रख देंगे। अब हम डोसा बनाएंगे। अब मैं डोसा बनाऊंगी। अब इसमें हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा डाल देंगे 1/4 टीस्पून हम डाल देंगे ये मीठा सोडा, ज्यादा नहीं डालना है, और थोड़ा सा डाल देंगे हींग। हींग का फ्लेवर अच्छा आता है इसमें। अब इसे मिक्स कर देंगे। अब ये पैन गरम हो गया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और इसे एक टिशू से या किसी कपड़े से इस तरह से हम पोंछ देंगे। अब इसमें हम डालेंगे और देखिए हमारी ये बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होना चाहिए। अब इसमें मैं एक करछी लूंगी और इसमें हल्के हाथ से इसे हमें इस तरह से ऐसे घुमाते हुए और फैला देना। इसे हमें एकदम फुल फ्लेम में नहीं करना, मीडियम में करना है। और जब नीचे हो जाएगा तब फिर हम इसे देखें। इसमें थोड़ा सा हम डाल देंगे ऑयल।
और ये जो काले चने होते हैं इसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है, और इसे तो हाउस ऑफ प्रोटीन भी बोलते हैं काले चने को। तो आप ये खाने में इस्तेमाल करिए, बहुत ही फायदा करता है, डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, और मतलब अच्छा होता है हमारे लिए ये काला चना। और यदि अंकुरित रहता है तब तो और ज़्यादा उसमें प्रोटीन की मात्रा और ज़्यादा हो जाती है। अब ये देखिए, ये हमारा डोसा देखिए कितना बढ़िया बन गया है। मैं एक और बना के दिखाती हूँ आपको। ऐसे हल्के हाथ से इसे घुमाना, आप कटोरी से भी कर सकते हैं जिससे आपको इजी लगे। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे या घी भी डाल सकते हैं, आपको जो इच्छा। अब ये इसे ऐसे साइड से ऐसे रचते हुए आप ऐसे निकालिए, तो एकदम सही बनेगा। और फिर एक बार ऐसे हल्के, हाँ ये देखिए, अब इसे हम ये देखिए कितना बढ़िया डोसा बना है, ये देखिए। और हेल्दी भी होता है, आप इसे जरूर बनाइए और बच्चों को भी खिलाइए और आप भी खाइए। देखिए कितना बढ़िया डोसा हमारा बना है। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। जब ये सिकने लगता है ना तो थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे कर देना चाहिए साइड से, ताकि निकालने में हमें दिक्कत नहीं होगी। ऐसे चारों तरफ से ऐसे इस तरह से। अब इसे मैं पलट के बताती हूँ आपको, ये देखिए। आप इसे इस तरह से भी सेक सकते हैं और जो मैंने पहले बताया है वैसे भी सेक सकते हैं। हालांकि डोसे को पलटते नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा मेरा मोटा हो गया था इसलिए मैंने इसे पलट के भी सेक लिया है। हम कर देंगे गैस को बंद और इसे सर्व करेंगे। अभी हमारे एकदम कुरकुरे चने के हेल्दी डोसे बनके तैयार हैं मूंगफली की चटनी के साथ, या आप दही भी ले सकते हैं आपको जिससे खाना हो उससे, लेकिन मूंगफली की चटनी से बहुत ही टेस्टी लगते हैं, हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आप इसे बनाइए, खाइए, खिलाइए और बच्चों को भी खिलाइए, और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।